नीचे पाँव लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है। नीचे पाँव आपने तभी लगाना है जब आपने इसको रोकना है, आपने खड़े होना, आपने न्यूट्रल होना है, ठीक है। अदरवाइज इसको पाँव के साथ कोई मसला नहीं है। पाँव से ना आपको गियर लगाने की ज़रूरत, ना ही आपको किक लगाने की ज़रूरत, ना ही आपको पाँव से ब्रेक मारने की ज़रूरत है, ठीक है। ब्रेक इसकी रेयर ब्रेक है, इसका ब्रेक का ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। अमूमन आपने देखा होगा कि ब्रेक का ऑप्शन राइट साइड पे जो पाँव की जगह पे होता है, लेकिन इन्होंने ये ब्रेक सिस्टम जो है ना लेफ्ट साइड पे जो है ना क्लच की जगह पे लगा दिए गए। साथ ये इंडिकेटर नमा ये आपको लाइटें नज़र आ रही हैं, ठीक है। इंडिकेटर मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये ऑप्शन इसमें मौजूद हैं, ठीक है। ये दो ऑप्शन इसमें बटन में मौजूद हैं, ये आप डबल ऐसे चला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके इंडिकेटर की ये सामने आपको इंडिकेटर नज़र आ रहे हैं, ये आप इंडिकेटर इसके चला सकते हैं, ये देख लें आप, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिक बाइक आपने जितनी भी देखी होंगी उसमें फंक्शन आप लोगों को डिस्क ब्रेक में बहुत ही कम मिलता है, ठीक है। इसमें आपको डिस्क ब्रेक में ये मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज फिर मैं मौजूद हूँ सादिकाबाद यामा सेंटर पर मौजूद हूँ। पिछली वीडियो में मैंने जो मिनी इलेक्ट्रिक बाइक आप लोगों से मुतारफ़ करवाई थी, तो इस बार जो मैं आप लोगों से मुतारफ़ करवा रहा हूँ जो उससे थोड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक बाइक है, लेटेस्ट मॉडल में मौजूद है, और इसकी प्राइस की भी बात करेंगे एंड में, तो इसका बारीकी से आपको रिव्यू देते हैं। और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो फंक्शन है ना वो एक्स्ट्रा इसमें लगा दिए गए हैं जो न्यू मॉडल आया है। तो आइए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तो पूरी वीडियो आपको डिटेल से दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो की तरफ। अच्छा दोस्तों सबसे पहले इसके फ्रंट लुक की बात कर लें। फ्रंट पे इसके ये डबल फेंडर की नमा एक इसको सेफ्टी कवर लगा हुआ है, ठीक है। ये फेंडर भी है, ठीक है, और यहाँ पर साइड पर इसका सेफ्टी कवर भी आ गया, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों इसके टायर की बात कीजिए, टायर इसको ट्यूबलेस टायर है, बिल्कुल ही आपको परेशानी नहीं है। पंचर वगैरह हो जाए तो आपको कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ट्यूबलेस डायमंड का इसको लगा हुआ है, 3/0/10 का इसको टायर लगा हुआ है, ठीक है, डायमंड का। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिक बाइक आपने जितनी भी देखी होंगी उसमें फंक्शन आप लोगों को डिस्क ब्रेक में बहुत ही कम मिलता है, ठीक है। इसमें आपको डिस्क ब्रेक में ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये देख सकते हैं आप डिस्क ब्रेक में बनाया हुआ इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों इसके शॉक्स की बात की जाए, शॉक्स इसको बड़े वाले हैवी किस्म के लगाए गए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म के इसके पंप आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसके साइड कवर की बात की जाए, साइड कवर नमा इसको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लुक लगा दी गई है। लुक इसको आप देख सकते हैं, ये 3 से 4 ऑप्शन में मौजूद है। ये ब्लैक प्लास्टिक हो गया और ये रेड के साथ इसका कंट्रास्ट है, ठीक है। ये आप लोगों के सामने एक ज़बरदस्त चीज़ बना दी है इन्होंने। उसके बाद दोस्तों इसकी इंडिकेटर की बात की जाए, ये इंडिकेटर, ठीक है। ये लाइट की बात कीजिए, लाइट के साथ ये इंडिकेटर नमा ये आपको लाइटें नज़र आ रही हैं, ठीक है। इंडिकेटर मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये ऑप्शन इसमें मौजूद हैं, ठीक है। ये दो ऑप्शन इसमें बटन में मौजूद हैं, ये आप डबल ऐसे चला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके इंडिकेटर की ये सामने आपको इंडिकेटर नज़र आ रहे हैं, ये आप इंडिकेटर इसके चला सकते हैं, ये देख लें आप, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपको डबल जो फंक्शन आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये आपको लेफ़्ट में आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये लेफ़्ट में आप देख लें, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि इसको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डिजिटल मीटर लगा दिया गया है। बैटरी इसकी फुल है, बैटरी की जो इसकी लिमिट है वो 40 से 45-50 किलोमीटर की एवरेज जो पर चार्ज पर आपको मिलेगी ये, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसकी हारन की बात की जाए, हारन इसको बहुत ही हैवी किस्म का हारन लगाया गया है। और दोस्तों इसकी मैं आपको स्पीड की बात कर लूँ तो स्पीड इसको 3 ऑप्शन मौजूद हैं, 1st, 2nd और 3rd, ठीक है। ये इसमें एक फंक्शन नया आया है, ठीक है, 1st, 2nd और 3rd। जिस स्पीड से आप चलाना चाह रहे हैं, जिस स्पीड में आप जाना चाह रहे हैं, तो उस स्पीड में आप इसको ये बटन से आप इसको स्पीड ऑप्शन जो है मौजूद है वो आप कर लें, तो आप बेहतरीन तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें जो नया फंक्शन आया मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डी और आर का मुखफ़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये आगे की तरफ और पीछे की तरफ, यानी कि रिवर्स भी होती है और आगे भी चलती है, ठीक है। ये दो ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डीप है तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये रेस देने से ये आगे की तरफ चल रही है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आर पे ऑप्शन मौजूद है, आर का ऑप्शन मैंने ये दबा दिया है। अभी आप देख लें ये रेयर पर चल रही है, ठीक है, बैक पर। ये इसमें दो ऑप्शन जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के नए लगा दिए गए इसमें, ठीक है, ये नए मॉडल में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो आपको फर्स्ट वगैरह जो नज़र आ रहा है, इसके अंदर नीचे ड्राई बैटरी होती है इसमें, ठीक है, खुश्क बैटरी इसमें लगाई गई हैं। और ये पाँव रखने के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बना दी है, डबल सवारी में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सीट भी इसकी काफ़ी बड़ी है, जैसे 70cc जो फ्यूल वाली बाइक होती है उसके साथ की इसको, बल्कि उससे भी चौड़ी इसको सीट बना दी है, देख सकते हैं आप, काफ़ी चौड़ी बना दी है। साइड पर फिर दोस्तों वही इसको आप देख सकते हैं, साइड कवर जो आप देख सकते हैं,
सीट कावल नमा इसको मुकम्मल ये है कि प्लास्टिक जो बॉडी लगा दी गई है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, कवर किया गया है इसको सेफ्टी कवर से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बैक लाइट की बात कीजिए, बैक लाइट इसकी चल रही है, ठीक है, वो ऑप्शन मौजूद है, इसका स्विच ऑन है तो वो बैक लाइट इसकी चल रही है, वो बटन दबा दिया था मैंने। उसके बाद दोस्तों ये रिफ्लेक्टर पीले रंग के लगे हुए हैं, ठीक है, ये इंडिकेटर नमा, ये इंडिकेटर इसके यहाँ पे भी चलते हैं, जैसे फ्रंट पे आपने देखे हैं रियर पे भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। और फेंडर की बात की जाए, रियर फेंडर आपको देखा होगा, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी जो हैवी 150 cc या 100 cc जो सुजुकी वगैरह होंडा की बाइक्स होती हैं उसमें आपको ये चौड़े वाला जो फेंडर मिलेगा तो आपको इसमें भी मिलेगा, ठीक है, ये उसी तरह का टाइप का इसको फेंडर लगा दिया गया है। और बैक पे आप देख सकते हैं इसको लेदर लगे हुए, ठीक है, लेदर है इसके अंदर, वही 70 cc वाला ऑप्शन है, ये चंबी वगैरह लगी है, ब्रेक इसकी रेयर ब्रेक है। इसका ब्रेक का ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, अमूमन आपने देखा होगा कि ब्रेक का ऑप्शन राइट साइड पे जो पाँव की जगह पे होता है, लेकिन इन्होंने ये ब्रेक सिस्टम जो है ना लेफ्ट साइड पे जो है ना क्लच की जगह पे लगा दिए गए। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लगा दी है, पाँव से आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आप लोगों ने बैठ जाना है और रेस देनी है, और ब्रेक भी यहाँ से लगानी है और यहाँ से आपने फ्रंट ब्रेक लगानी है। ये इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद दोस्तों ये आप देख सकते हैं इंडिकेटर, इसको बैक पे भी वैसे सेम लगे हुए हैं जैसे आपको फ्रंट पे मैंने दिखाए हैं, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है और ये आपको नज़र आ रहा है राइट साइड, ठीक है, ये ऑप्शन इसमें मौजूद है, बैक लाइट आपको मैंने पहले दिखाई है, ठीक है, ये इसमें मौजूद है, ज़बरदस्त चीज़ बना दी है, बिल्कुल ही सुजुकी की तरह इन्होंने एक शेप बना दी है, सुजुकी तो नहीं कह सकते इसे, ना ये सुजुकी की कॉपी कर सकते हैं, लेकिन एक डिफरेंट चीज़ आपको नज़र आ रही है, फेंडर से लुक नज़र आ रही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चैन कवर का ऑप्शन मौजूद होता है, आपने देखा होगा 70 cc में, अमूमन कई बाइक्स वगैरह होती हैं जो फ्यूल वाली होती है उसमें मौजूद होता है, तो इन्होंने सेफ्टी कवर लगा दिया एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, ठीक है, ये ऐसी चीज़ आपको अक्सर सलंसर के ऊपर लगी होती है ब्लैक कलर की पतरी, तो वो चीज़ इन्होंने लगा दी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसकी शॉक्स की बात की जाए, शॉक्स इसको हैवी किस्म के लगाए गए हैं, बड़े वाले हैं, बिल्कुल ही 70 cc की तरह लगे हुए हैं, ठीक है, जैसे 70 cc में बड़े होते हैं, इसमें भी इन्होंने बड़ी है तो बड़े जो लगा दिए हैं, ठीक है, शॉक्स। उसके बाद दोस्तों इसकी ये बात की जाए, ठीक है, पिछली हब की, तो ठीक है, यही इसका फंक्शन है, इसी से सारा दारोमदार चलता है इसके अंदर, ठीक है, ये इसका चेसी नंबर है, ये जैसे 70 cc में जैसे होता है ना इंजन नंबर चेसिस नंबर, यही इसका भी एक सीरियल नंबर होता है, ये भी, ठीक है, पंचिंग होता है, इसकी भी एक सीरियल होती है, ठीक है, ये भी आप जिसकी जो बाइक है उसी को आप लगा सकते हैं, ठीक है। स्टैंड इसको लगा हुआ है, ठीक है, मेन स्टैंड देख लें आप, काफ़ी चौड़ा मेन स्टैंड लगा हुआ है, ये इसकी साइड पे ऑप्शन, यहाँ पे पाँव रख के आप इसको खड़ा कर सकते हैं और यहीं से आप पाँव रख के आप इसको उतार सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसको साइड स्टैंड भी लगा हुआ है, ठीक है, दो स्टैंड इसमें मौजूद हैं, ठीक है, जो अमूमन होते हैं बाइक में, दो स्टैंड मौजूद हैं इसमें जी। तो दोस्तों ये आप लोगों के सामने बिल्कुल ही बारीकी से इसका रिव्यू मैंने आप लोगों को दिया है, ठीक है, ब्रेक ऑप्शन इसका रेयर वाला यहाँ पे मौजूद है और ठीक है फ्रंट वाली ब्रेक ये यहाँ पे मौजूद है। नीचे पाँव लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, नीचे पाँव आपने तभी लगाने हैं जब आपने इसको रोकना है, आपने खड़े होना, आपने न्यूट्रल होना है, ठीक है, अदरवाइज़ इसको पाँव के साथ कोई मसला नहीं है, पाँव से ना आपको गियर लगाने की ज़रूरत, ना ही आपको किक लगाने की ज़रूरत, ना ही आपको पाँव से ब्रेक मारने की ज़रूरत है, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन हैंडल में मौजूद हैं रेयर और फ्रंट ब्रेक का, ठीक है। ये यहाँ पर इसको आप लेफ्ट साइड पर चाबी करेंगे तो ये आपको आवाज़ भी आई होगी, ये इसकी सीट के नीचे ही आपको, ठीक है, सामान रखने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आपको ये दिखा दी है, ठीक है, ये इसका एक बटन है, ठीक है, ये यहाँ से ट्रिप भी हो जाती है, ठीक है, ये ट्रिप वाला ऑप्शन है, चोर स्विच भी आप कह सकते हैं, यहाँ पे भी आप अपनी गाड़ी को बंद करके आप इजीली रख सकते हैं, ठीक है, जितना मर्जी इसको स्विच वगैरह लगाएं तो ये स्टार्ट नहीं होगी, चलेगी नहीं, ये यहाँ पे इसके, ठीक है, शीशे वगैरह पड़े हुए हैं, ये चार्जर वगैरह पड़ा हुआ है, अदरवाइज़ इसके अलावा आप कोई भी सामान रखना चाहें तो आप इजीली इसमें रख सकते हैं, ये एक सीट का ऑप्शन है, ठीक है, ये बंद हो गया बिल्कुल ही, ये लॉक हो गया आप लोगों के सामने, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये इलेक्ट्रिक स्कूटरी बनाई है, ठीक है, कम पैसों में भी आप लोगों को बिल्कुल ही बारीकी से रिव्यू दिया मैंने। तो अभी इसकी प्राइस की बात की जाए, प्राइस इसको इसकी जो प्राइस है वो 1,40,000 रुपया है, मज़ीद मैं कॉन्टैक्ट वगैरह इसका वीडियो के अंदर लगा दूँगा, ठीक है, आप मज़ीद हो सकता है आपको इससे भी डिस्काउंट मिल जाए, लेकिन आपको इसके लिए आपको आना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा, सादिकाबाद यामा सेंटर है, ठीक है, इसका मैं टोटली एड्रेस वो वीडियो में लगा दूंगा, तो आपने लेनी हो नंबर वगैरह भी मैं आपको दे दूंगा, 1,40,000 इसकी प्राइस है, तो ज़रूर विज़िट करें और ज़रूर आप लें, ये बहुत ही जो फ्यूचर है, जो नेक्स्ट फ्यूचर है उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, अभी भी ये कम पैसों में आपको मिल रही है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, जो फ्यूल की प्राइस दिन ब दिन बढ़ रही है उसको देखा जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ जो है ना
मार्केट में लॉन्च हुई है, तो अभी भी वक्त है आप इसे खरीद लें और आपके बिल्कुल ही पैसे ये पूरे कर देंगे। स्पीड तो ऑप्शन इसमें मौजूद है, फुल चार्ज से आप इसको 70 किलोमीटर तकरीबन आप 70 किलोमीटर तक इसको यूज़ कर सकते हैं फुल चार्ज पे। ठीक है, तीन ऑप्शन मैंने आपको दिखाए थे, वो तीन ऑप्शन को फॉलो करके आप 70 किलोमीटर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। तो तब तक के लिए हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, वस्सलाम।